चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र की। आज दूसरा दिन है जहां सदन की कार्यवाही में हंगामे के आसार भी है। कमलनाथ सदन में हरदा विस्फोट मामला उठा सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर हावी होती भी नजर आ रही थी और उसके बाद में एक बार फिर से यहां पर कहा जा रहा है कि कमलनाथ इस मुद्दे को उठाएंगे, यानी कि आज जो दूसरा दिन है सदन की कार्यवाही का वो भी हंगामेदार होने के पूरे आसार है। शबाना का रुख कर देते हैं। शबाना, विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन है और जिस पर चर्चा भी करेंगे शबाना से, तो देखिए सदन की कार्यवाही में हंगामे के आसार है। स्पष्ट तौर पर हमने कल भी देखा कि किस प्रकार की गहमा गहमी की स्थिति देखने को मिल रही थी। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हावी होता नजर आ रहा था। कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष हंगामा करता हुआ भी दिखाई दे रहा था। कल राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, उसके बाद भी विपक्ष कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि सत्ता पक्ष पर दाग रहा था। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज किस प्रकार का हंगामा होता है और सत्ता पक्ष की क्या कुछ तैयारी है जिससे कि विपक्ष के जवाबों का सामना कर सके, क्योंकि हरदा विस्फोटक ये जो घटना हुई है उससे 11 लोगों की मौत हो गई है, 200 से ज्यादा लोग घायल हैं और बाकी लोग कहां पर हैं, उनकी क्या हालत है, उनकी क्या स्थिति, इसका कोई भी अता पता नहीं है। अब ऐसे में लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आखिर भाजपा की सरकार 5 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी और फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, आखिर ये आगजनी की घटनाएं इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है और सरकार इसको कम करने में या फिर खत्म करने में नाकाम साबित क्यों हो रही है। तो ऐसे तमाम सवाल जो कि आज विपक्ष सत्ता पक्ष पर दागने वाला है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शबाना बानो लगातार जुड़ी हुई है। शबाना, विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन और सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या कुछ तैयारी है, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष पर हावी होती विपक्ष नजर आएगी? हाँ बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, सदन की कार्रवाई में आज फिर हंगामा हो सकता है। बताया जा रहा है कि कमलनाथ आज हरदा मामले को सदन में उठा सकते हैं और सदन में इस चीज को लेकर चर्चा कर सकते हैं। आपने देखा कि पहले दिन किस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जो है हंगामा किया और सदन से वॉकआउट हो गए हैं। विपक्ष का साफ तौर पर कहना था कि राज्यपाल जो है वो सरकार की तारीफ कर रहे हैं और सरकार की जो बातें हैं, चाहे आप केंद्र सरकार की देख लीजिए या मध्य प्रदेश सरकार की, उनके अभिभाषण से ऐसा लग रहा है जैसे वो विपक्ष के नेता हो, इसलिए विपक्ष ने हंगामा किया और लगभग आज 11 बजे जो है 11 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। राज्यपाल, विपक्ष ने राज्यपाल पे और कई तरीके के आरोप लगाए थे, आज भी जो है लग ऐसा ही रहा है कि सदन की कार्रवाई फिर से हंगामेदार रहेगी और जो है विपक्ष सदन से वॉकआउट करेगा, क्योंकि वो विपक्ष चाह रहा है कि जो है सरकार सही आंकड़े पेश करे हरदा मामले को लेकर। एक तरफ आरोप भी लग रहे हैं कि हरदा मामले में जो पटाखा फैक्ट्री में आगजनी हुई है उसमें और कई लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकार के पास सही आंकड़े नहीं है। इसके अलावा जो जनता से जुड़े मुद्दे रहेंगे आज वो सदन पर उठाए जाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से जो कल सदन में संकल्प पत्र को लेकर आरोप था कि बीजेपी ने जो वादे किए थे चुनावी यात्रा के दौरान, जो बीजेपी ने कहा था वादे पूरे नहीं हुए, चाहे आप लाडली बहनों के किस्त बढ़ाने की बात कर लीजिए, चाहे आप किसानों को सही ऋण देने की बात कर लीजिए, या फिर जनता से जुड़े कोई ऐसे मुद्दे थे जिन पर जो सरकार ने वादा किया था अपने संकल्प पत्र पर जो अभी पूरा नहीं हो पाया। तो एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा, दूसरी तरफ बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको लेकर यहाँ पर जो है विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आज भी सदन के हंगामेदार होने के पूरे आसार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे कौन कौन से प्रश्न है या सवाल है जो कि विपक्ष करता हुआ नजर आएगा। मैं लौटूंगी आपके पास मशबाना। तो देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है, कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल वंकूभाई छगन भाई पटेल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत हुई और आज 11 बजे से दूसरा दिन यानी कि आज भी कार्यवाही जारी रहेगी। अब ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो कि विपक्ष करता हुआ सत्ता पक्ष से नजर आने वाला है।